हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट टू ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड इन द प्रीवियस वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था पार्ट वन ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जिसमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है उसके कॉजेज एंड पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन किया था इस वीडियो में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस सो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है वेन में इंफ्लामेशन होना किसकी वजह से थ्रोम्बस यानी कि क्लोट फॉर्मेशन की, की वजह से वेन में इंफ्लामेशन होना दैट इज थ्रोम्बो फ्लेबाइटिस सो थ्रोम्बो इज थ्रोम्बस मीन्स क्लोट फॉर्मेशन फ्लेबाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ वेन नाउ जब भी वेन में कोई भी इंफ्लामेशन होगी क्लोट फॉर्मेशन की वजह से तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे सो so, यहाँ पर हम बेसिक्स किसका ले सकते हैं इन्फ्लामेशन का तो so, जो इन्फ्लामेशन होती है हमारी बॉडी में तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सो फर्स्ट आता है पेन वॉम्थ एंड टेंडरनेस सो पेन फील होगा ऑफ़ कोर्स जो भी अफेक्टेड वेन होगी वैसे तो कई बार क्या होता है मोस्टली अगर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है कहीं पे, तो वो साइनेंट सिम्टम्स कोज भी कर सकता है और नहीं भी कोज कर सकता सो अनोटिस भी रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी तो पेन हो सकता है वॉम्थ वॉम्थ मीन्स वो वाला एरिया वॉम रहेगा एंड टेंडरनेस टू टच टेंडरनेस मीनस सो हम अगर वो अफेक्टेड एरिया जिस एरिया में वेन अफेक्टेड है अगर उसको टच करेंगे तो टच करने पर पेन फील होगा ये ऐसा ही पेन फील होता है जैसे कि अगर हम हाइक पर जाए या फिर हम कोई चढ़ाई करते हैं ज़्यादा पहाड़ पर तो हमारे मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं और जब हम उसको टच करते हैं तो पेन फील होता है तो इसी तरह से जो अफेक्टेड एरिया होगा सपोज़ अगर लेग में हमारे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हैं तो पेन वॉम और टेंडरनेस उस पर्टिकुलर एरिया में टेंडरनेस फील होगी पेन फील होगा एंड गर्म फील होगा वॉम फील होगा इंफ्लामेशन नाउ uh, इन्फ्लामेशन हो रही है सो so इन्फ्लामेशन में एक ओर साइन आएगा दैट इज स्वेलिंग वहाँ का एरिया क्या हो जाएगा स्वेल हो जाएगा स्वेल होने का ये भी रीजन हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सपोज यहाँ पर ये वेन है और इस वेन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो ब्लड फ्लो लिमिटेड हो जाएगा ब्लड फ्लो आगे अच्छे से नहीं जा पाएगा अपवर्ड एंड ब्लड यहीं पर एक्यूमुलेट होने लग जाएगा ब्लड की स्टेसिस हो जाएगी विच इज कॉल्ड वेनस स्टेसिस तो वेनस स्टेसिस की वजह से वहाँ स्वेलिंग होगी रेडनेस होगी रेडनेस मीन्स एरिदमा तो ये क्या है इन्फ्लामेशन के बेसिक साइन है कि क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से वहाँ इन्फ्लामेशन के जो साइन आएंगे पेन वॉम्थ टेंडरनेस स्वेलिंग एंड रेडनेस प्लस बल्जिंग ऑफ अ वेन जो वेन होगी वो वेनस ट्रेसिस की वजह से क्या हो जाएगी बल्ज हो जाएगी मीन्स फूल जाएगी एंड लो ग्रेड फीवर और पेशेंट को लो ग्रेड फीवर भी फील हो सकता है नाउ एक और बात यहाँ पर हाई ग्रेड फीवर एंड ड्रेनेज ऑफ पस नाउ अगर वैसे तो यूजुअली क्या होगा कि लो ग्रेड फीवर होगा अगर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है लेकिन हाई ग्रेड फीवर और ड्रेनेज ऑफ पस वहाँ पर पस फॉर्मेशन और हाई ग्रेड फीवर तब होगा सजेस्टन इन्फेक्शन जब वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा सो so सपोज अगर यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन है तो नॉर्मली क्या है ब्लड रिस्ट्रिक्ट हो रहा है तो उस वजह से ये ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से वहाँ इन्फेक्शन भी हो गया है तो हमें हाई ग्रेड फीवर फीवर ज़्यादा हो गया प्लस साथ में पस फॉर्मेशन होगी विथ सजेस्टन इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस सो सेप्टिक मीन्स इन्फेक्शन होना नेक्स्ट इज द अफेक्टेड लेग कैन कोज डिफिकल्टी वॉकिंग नाउ सपोज अगर मैंने जो बताया था कि ज्यादातर फीट या फिर लेग्स में होता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस सो so अगर लेग में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है तो चलने में वॉकिंग में डिफिकल्टी होगी सेम अगर किसी और एरिया में होता है सपोज आम में होता है तो आम में हमें जो नॉर्मल वर्क है वो करने में डिफिकल्टी होगी या फिर कोई भी एरिया जहां पर भी अफेक्टेड है जहां की वेन भी अफेक्टेड है जहाँ भी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है तो वो पर्टिकुलर एरिया में हमें वर्क में प्रॉब्लम आ सकती है करने में नेक्स्ट इज इसकी कॉम्प्लिकेशन नाउ कॉम्प्लिकेशन क्या होगी सो so, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था दैट इज डी तो हमें पता है कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस टू टाइप्स की होती है सुपरफिशियल एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस सो सुपरफिशियल वेन्स जो अपना ब्लड है वो किसको देती हैं डीप वेन्स को तो डीप वेन्स ब्लड कहाँ पर छोड़ती हैं हार्ट में एंड हार्ट से देन ब्लड हमारा पलमरी आर्टरी के थ्रू हमारा लंग्स में जाता है देन पलमरी वेन के थ्रू दोबारा हार्ट में आता है तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस अगर थ्रोम्बस कहाँ पर हुआ है डीप वेन्स में हुआ है तो क्योंकि ये डीप वेन्स कहाँ जा रही है हार्ट तक जा रही है तो जो ब्लड uh, क्लोट है वो टूट कर सपोज उसका कोई पार्ट या वहां से वो ब्लड क्लोट हट गया है तो यहां पर जो फिक्स ब्लड क्लोट है उसको बोलते हैं थ्रोम्बस एंड जो ब्लड क्लोट वहाँ से फ्री हो गया है उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म सो ये एम्बोलिज्म ये ब्लड क्लोट कहाँ पर जा सकता है हार्ट से देन पलनरी आर्टरी में जा सकता है जिसको बोलते हैं ब्लड क्लोट कैन डिसलोज तो ब्लड क्लोट यहाँ से डिसलोज होके हटके कैन अक्लूड पल्बनरी आर्टरी पल्बनरी आर्टरी को ऑक्लूड कर, सकते है, कर सकता है वहाँ पर जाकर फंस सकता है ब्लड क्लोट पल्मी आर्टरी में जिसको बोलते हैं पल्मनरी एम्बोलिज्म सो पल्नरी एम्बोलिज्म एक कॉम्प्लिकेशन है और पल्मनरी एम्बोलिज्म हो गया सो इट मीन्स जो हमारे लंग्स हैं उनमें रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स चेंज नहीं हो पाएंगे सो पल्मरी एम्बोलिज्म की वजह से क्या होगा रेस्पिरेटरी इनसफिशेंसी हो जाएगी एंड इट कैन लीड टू डेथ नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक वैल्यूशन ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस नाउ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस को कैसे डायग्नोज करेंगे क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करेंगे सो so फर्स्ट आता है मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम सो मेडिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है फर्स्ट हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई वेन्स या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का केस तो नहीं था बिकॉज इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आपकी फैमिली में कोई जीन ऐसा है जो जिसमें वेरिकोज वेन्स थे एंड देन वो फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर हो सकता है वेरिकोज वेन्स वाले जीन जो कि किसी पर्सन को ससेप्टेबल बनाते हैं वेरिकोज वेन्स के लिए ना फैमिली हिस्ट्री पूछने के बाद हम पेशेंट से पूछेंगे उसका हाइट हाइट एंड वेट ऑल्सो मैटर्स क्योंकि ओबेसिटी से भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं नेक्स्ट हम उससे पूछेंगे कि uh, प्रेगनेंसी पूछेंगे या फिर आप कोई हॉर्मोनल पिल्स या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स की कंजप्शन तो नहीं करें बिकॉज दीज आर हॉर्मोन्स जो कि किसी पर्सन को ज्यादा ससेप्टेबल बनाते हैं मेन्स के या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के नेक्स्ट हम पेशेंट से पूछेंगे कि कोई वो ऐसी मेडिसिन पर तो नहीं है जिससे क्लोटिंग इंक्रीज हो देन हम पेशेंट से उसके सिम्टम्स पूछेंगे कि उसको कहाँ पर किस एरिया में पेन uh, है और क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं प्लस कितनी ड्यूरेशन से आ रहे हैं सो वंस मेडिकल हिस्ट्री हो जाएगी उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे उसमें जो फिजिशियन है वो थोरो एग्जामिनेशन जनरल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेगा सपोज अगर हमारे लेग में अफेक्टेड है लेग की वेन में थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है सो तो उस पर्टिकुलर एरिया में चेक करेंगे कि रेडनेस वार्म टेंडरनेस ये सब साइंस देखने के बाद देन डॉक्टर परफॉर्म कर सकता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड नाउ डॉपलर अल्ट्रासाउंड में क्या होता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड में एक तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी वेन सुपरफिशियल वेन अफेक्टेड है या फिर डीप वेन अफेक्टेड है वैसे तो जो सिम्टम्स है रेडनेस वार्म ये सभी इंफ्लामेशन के साइन ये सुपरफिशियल वेन में क्लियरली विजिबल होते हैं क्योंकि वो स्किन के जस्ट बीनीथ होती हैं डीप वेन में समटाइम्स ये सिम्टम्स नजर नहीं आते बट अगर सीवियर है तो डीप वेन में भी नज़र आ सकते हैं डीप वेन में थ्रोम्बोसिस में भी पेन होता है लेग में वॉकिंग में डिफिकल्टी आती है डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हमें जो वेन्स की पिक्चर है वो मिल जाएगी और इवन कलर्ड पिक्चर मिलेगी विच इज़ डॉपलर अल्ट्रासाउंड तो हमें वेन में जो ब्लड फ्लो है उसकी स्पीड का भी पता लग जाएगा प्लस क्लॉट कहाँ पर है लोकेशन का भी पता लग जाएगा सो दैट इज अल्ट्रा अल्ट्रासाउंड सुपरफिशियल में है या फिर डीप वेन में है देन इज वेनोग्राफी वेनोग्राफी क्या होता है वेंस को एनालाइज करना वेन्स को कैसे एनालाइज करते हैं डाई जो कि एक कंट्रास्ट डाई होती है वो इंजेक्ट करते हैं वेन में थ्रू अ कैथेटर देन उसको एक्सरे की हेल्प से विजुलाइज करते हैं कि वो कैथेटर कहाँ जा रहा है एंड देन एक पर्टिकुलर एरिया में हम डाई को इंजेक्ट करते हैं और वो डाई जहाँ पर सपोज यहाँ पर अगर क्लोट है तो यहां पर जाकर एक्यूमुलेट जाएगी जिससे हमें एक्सरे की हेल्प से पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर क्लोट है नेक्स्ट इज सि और एम आर आई स्कैन सो सीटी स्कैन कंप्यूटराइजमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजनिंग ये और ज़्यादा क्लियर पिक्चर्स प्रोवाइड करते हैं वेन्स की नेक्स्ट इज डी डायमर नाउ डी डाइमर क्या है ये ब्लड कोगुलेशन टेस्ट है क्योंकि इसमें क्लॉट है क्लॉट बना हुआ है सो मेनली क्लॉट को हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्लॉट बना है बॉडी में या नहीं जिसकी वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो रहा है तो डी डाइमर एक ऐसा प्रोटीन सब्स्टांस है जब हमारी बॉडी में कोई क्लॉट बनता है तो क्लॉट जो है डी क्रिएट होता है जब उसकी मीनो होती है या फिर वो dissolve होता है तब ये substance release होता है that is तो indicate करता है अगर हाई लेवल डी डायमर हमारी बॉडी में तो वो इंडिकेट करा है कि हमारी बॉडी में एक ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट ऑफ सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है सो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लिए कुछ मैनेजमेंट uh, होती है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं इवन एट होम जैसे कि वार्म कंप्रेस सो आप सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लिए वार्म कंप्रेसेस लगाएंगे वार्म कंप्रेसेस से क्या होगा सर्कुलेशन इंप्रूव होगा प्लस सपोर्ट स्टॉकिंग सो सपोर्ट स्टॉकिंग्स या फिर कंप्रेशन स्टॉकिंग्स इससे क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है ये एंकल से टाइट होती है एंड देन अपवर्ड लूजन अप होती रहती है सो so अगर आपको एक्सट्रीमिटीज में प्रॉब्लम है जैसे कि लेग्स या फिर आर्म्स तो आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स अप्लाई कर सकते हैं देन है एलिवेशन

तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस सुपरफिशियल थ्रोम्बोसिस Uh, या फिर वेन्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं इसलिए एम्बुलेशन uh, करना या फिर अपनी पोजीशन को चेंज करते रहना इंपॉर्टेंट है इसके लिए आप एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज क्या करता है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है अगर आपकी ऐसी जॉब है लाइक लॉन्ग सिटिंग या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग की तो आप अपनी पोजिशन को चेंज करते रहें आप मोनीटर कर सकते हैं प्लस साथ में एक्सरसाइज प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट इज न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइसेस सो कंप्रेशन स्टॉकिंग या फिर सपोर्ट स्टॉक के साथ साथ कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनको बोलते हैं इंटरमिटेंट न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइसेस ये डिवाइसेस ब्लड फ्लो को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं नेक्स्ट आता है मेडिसिन सो मेडिसिन में हमने एनाल्जेसिक्स फॉर पेन पेन के लिए हमने पेन किलर्स देने हैं एनालजेसिक देने हैं जैसे कि मॉर्फिन टाइलोनोल सो वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर कौन सी एनालजेसिक uh, देते है, depending the condition of the patient हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट और सिवियरिटी नेक्स्ट आता है एंटीबायोटिक्स नाउ एंटीबायोटिक्स हमने तभी प्रिस्क्राइब करनी है जब इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन और पस है फॉर दैट वी विल प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स अदरवाइज एंटीबायोटिक्स नहीं देने जैसे कि पेनिसलिन सिफेलेक्सिन और भी कई एंटीबायोटिक्स हैं जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा बेस्ड अपॉन द कंडीशन नेक्स्ट आता है एंटीकॉगलेंट्स एंटीकॉगलेंट्स क्या करते हैं ये क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होने देते मींस वंस जो क्लॉट बन गया है वो तो बना रहेगा लेकिन जो न्यू क्लॉट है उसकी फॉर्मेशन नहीं होने देते दीज आर एंटीकॉगलेंट्स जैसे कि हैपरिन और वॉरफेन नेक्स्ट आता है नसैड्स नसैड आर नॉ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स सो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स क्या करते हैं इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं पेन के लिए भी होते हैं नॉलजेसिक्स भी होते हैं प्लस ये फीवर को भी रिड्यूस करते हैं सो दीज आर इबुप्रोफेन और इवन एस्पिरिन भी दे सकते हैं एस्पिरिन क्लोट के डिसॉल्वेशन में भी हेल्प करेगा नेक्स्ट इज थ्रोम्बोलिटिक्स। नाउ थ्रोम्बोलिटिक्स क्या होते हैं थ्रोम्बस मींस क्लॉट फॉर्मेशन और लिटिक्स मींस ब्रेक डाउन सो जो क्लॉट की फॉर्मेशन हो गई है उसको डिसॉल्व करने के लिए थ्रोम्बोलाइटिक्स देते हैं सो so, थ्रोम्बोलाइटिक्स देंगे जो हम क्लॉट बना हुआ है vein में उसको डिसॉल्व करने के लिए एंटीकोगुलेंट्स न्यू क्लॉट की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं दीज आर ब्लड थिनर्स एंड थ्रोम्बोलिटिक्स जो एक्जिस्टिंग क्लॉट है उसको डिसॉल्व करता है दीज आर स्ट्रेप्टेज एंड अमाइनेस नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट नाउ कुछ केसेस में इन मेडिकल uh, मैनेजमेंट से रिलीफ नहीं मिलता तो सीवियर केसेस में हमें सर्जिकल मैनेजमेंट भी परफॉर्म करने पड़ते हैं सपोज अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या फिर सुपरफिशियल वेन थ्रोम्बोसिस है जिससे चांसेस हैं कि वो और ज़्यादा सीवियर हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है प्लस रिलीफ uh, नहीं मिल रहा मेडिकल मैनेजमेंट से एंड पल्बनरी एम्बुलिजम का भी रिस्क है सो so, उसमें फर्स्ट हम करेंगे वेन स्ट्रिपिंग नाउ वेन स्ट्रिपिंग अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है सो so, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया वेरी वेरिकोज वेन्स में डिफरेंट सर्जिकल मैनेजमेंट वेन स्ट्रिपिंग में हम क्या करते हैं आ, सपोज ये हमारी लेग है और ये वेन है और इस वेन में क्लोट है सो हम एक आ, जो कट है वो ग्रोइन के पास लगाएंगे यहाँ पर और एक एंकल के पास कट लगाएंगे एंकल से ऊपर मीन्स लेग में सो ये अगर लेग की बात करें या लेग में है अगर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस सो सो यहाँ से हम जो ऊपर वाला कट है यहाँ से एक थिन वायर इंसर्ट करते हैं वायर लाइक -like, और ये जो नीचे वाला कट है यहाँ से वायर को रिमूव कर देते हैं सो so, जैसे हम वायर को रिमूव करते हैं सो so, ये जो कट लगा है सो so, इस वेन में जो कट लगाया है हमने वेन में जो ऊपर वाला कट लगाया है तो जो ऊपर वाली वेन है इसको हम लाइगेट कर देंगे यहाँ से और ये जो पार्ट है वेन का जो हमने कट किया है इसको इस वायर के थ्रू रिमूव कर देंगे सो so, इसको बोलते हैं वेन स्ट्रिपिंग और लाइगेटिंग एंड लाइकेटिंग like तो ये जो वेन रिमूव हो गया जो पर्टिकुलर वेन जिसमें क्लोड था सो तो ये सुपरफिशियल वेन्स के लिए हम परफॉर्म करते हैं और अगर ये वेन रिमूव हो जाए तो सर्कुलेशन में भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता बिकॉज जो डीप वेन्स हैं या फिर और कई रास्ते हैं बाईपास होते हैं वेंस के जिससे क्या होता है कि सर्कुलेशन बना रहता है तो वेन स्ट्रिपिंग एक मेथड है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अगर सीवियर है तो उसको रिमूव करने का अदरवाइज़ हम एंजियोप्लास्टी परफॉर्म करते हैं सो so, एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं सपोज़ अगेन ये कोई एक्सट्रीमिटी है यहाँ पर ये पर्टिकुलर वेन है सो so, ये डीप वेन और सुपरफिशियल वेन किसी के लिए भी हो सकता है सो so, इस वेन में सपोज यहाँ पर क्लोट है तो so, हम क्या करते हैं एक थिन ट्यूब इंसर्ट करते हैं एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं सो कैथेटर के टिप पे एक बलून होता है so, कैथेटर की टिप पर बलून भी हो सकता है कोई ब्लेड हो सकता है शार्प ब्लेड या फिर कोई ड्रिल भी हो सकती है वेरी फाइन ड्रिल जो कि क्या करेगी क्लोट को शेड कर देगी मीन्स तोड़ देगी छोटे छोटे पार्टिकल्स में या फिर बलून क्या करते हैं क्लोट को सप्रेस कर देते हैं सो so, जैसे ही ये एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचता है कैथेटर थिएटर so, सो हम लोकेशन जज करते हैं इमेजनिंग टेक्निक से जैसे कि एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड से हम देखते रहते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन पर जा रहा है कैथेटर या नहीं तो ये बैलून को हम क्या कर देते हैं इंफ्लेट कर देते हैं मीन्स फुला देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो क्लोट है वो सप्रेस हो जाता है बैलून के इंफ्लेट होने की वजह से और जैसे ही अ, सप्रेस हो जाता है क्लोट, तो बलून को हम डिफ्लेट कर देते हैं डिफ्लेट करने के बाद हम क्या थिएटर को रिमूव कर देते हैं एक चीज़ और इसमें या तो हम बलून अटैच करेंगे टिप पर या फिर समटाइम्स ब्लेड भी अटैच करते हैं या फिर एक ड्रिल लाइक फाइन ड्रिल भी अटैच करते हैं जो कि क्लोट को क्या करता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है ना वंस ये प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद क्लोट दोबारा से फॉर्मेशन ना हो वहां पर इसलिए हम वेन में क्या करते हैं एक स्टेंट एड कर देते हैं स्टेंट मीन होता है एक लाइक ट्यूब -like होती है एक स्टेंट होती है जो कि अंदर से होलो होती है तो वो हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं ताकि ब्लड फ्लो प्रॉपर है और दोबारा से वहाँ क्लोट फॉर्मेशन ना हो नाउ इन सर्जिकल मैनेजमेंट के अलावा और भी बहुत सारे सर्जिकल मैनेजमेंट है जैसे कि सर्जरी टू बाईपास अ वेन सपोज अगर ये वेन हमने रिमूव कर दी है और कोई सपोज uh, हमने कोई डीप वेन रिमूव की है और कोई वे नहीं है अब ब्लड फ्लो प्रॉपर करने का तो हम क्या करते हैं बाईपास करते हैं सपोज़ हमने कोई ग्राफ्ट ले लिया किसी और प्लेस से हमने कोई वेन का ग्राफ्ट ले लिया तो वो वेन हम यहाँ पर अटैच कर देते हैं जिसको बोलते हैं बाईपास सो so, बाईपास सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं इसमें वेन में और भी बहुत सारी सर्जरीज हैं जो कि हम वेरिकोज वेन्स में भी परफॉर्म करते हैं सो so, वेरिकोज वेन्स में मैंने डिटेल में वो एक्सप्लेन की है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं सो इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ऑल्सो डू सपोर्ट वेमन एम्पावरमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग